हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीसीएस 2022 से सीसेट रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स ओरिजिनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 8 इज रिलेटेड टू 81 एंड 27 इज रिलेटेड टू 256 इन द सेम वे एज 64 रिलेटेड टू। ऑप्शन दिया गया है 625, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 525, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है 225, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है 425। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 8 81 से रिलेटेड है, वैसे ही 27 256 से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से 64 किससे रिलेटेड होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो आप एक चीज देखेंगे, जो 8 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, ठीक है। और जो 81 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4। तो एक चीज आप ध्यान देखेंगे, यहाँ 2 पे पावर 3 है और यहाँ 3 पे पावर 4, मतलब बेस में भी एक ऐड हुआ और पावर में भी एक ऐड हुआ। ये पहला मैं सोच रहा हूँ अभी, हाँ ये मैं कंफर्म नहीं बोला, अभी सोच रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 27 को, अगर ध्यान से देखें 3 पे पावर 3, ठीक है। और 256 को देखें 4 पे पावर 4। तो यहाँ पर भी देखिए ना, बेस में भी एक ऐड हो गया और पावर में भी एक ऐड हो गया, मतलब जो सीक्वेंस मैं सोच रहा हूँ वो एग्जैक्ट है, वो प्रोसेस में है। देखिए यहाँ पर भी क्या 2 था, बेस में 2 था, यहाँ बेस में 3 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 4 है। यहाँ तो बेस और पावर दोनों 3 था, यहाँ पावर और बेस दोनों 4 है, मतलब एक एक ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो हमारा फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक है, तो उसके दोनों में 1 ऐड हो जाएगा, पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा, बेस में भी 1 ऐड हो जाएगा। तो अब आते हैं 64 पर। तो 64 को देखिए दो तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 64 को दो तरीके से लिखा जा सकता है, 2 पे पावर 5 या 4 पे पावर 3, ये दो तरीके लिख सकते हैं। तो अगर 2 पे पावर 5 होगा तो बेस में भी एक ऐड करिए और पावर में एक ऐड करिए, तो 2 का एक ऐड करेंगे 3 और 5 में एक ऐड करेंगे 6, या 3, अब यहाँ 4 पे पावर 3 है ना, तो 4 में एक ऐड करेंगे 5 होगा और 3 पे एक ऐड करेंगे तो 4 होगा। इसका मतलब दो आंसर आना चाहिए, 3 पे पावर 6 का किया कितना है 729 और 5 पे पावर 4 के कितना 625। क्लियर? तो आप देखिए ना ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, 729 कहीं दिया ही नहीं है और दिया क्या 625। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब 625 से उसी तरीके से रिलेटेड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है, ये पर्सन बाय 4 horses and 9 cows फॉर 13,400 rupees, इफ ही सेल दी हॉर्सेस एट 10% प्रॉफिट एंड काउ एट 20% प्रॉफिट, देन दी अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,880 rupees, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ काउ। ऑप्शन दिया गया है 400 rupees, ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है 900 rupees, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया 600 rupees और डी में कहा गया नन ऑफ एबव, ठीक है। ये हमें ऑप्शन दिया गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कोई एक आदमी है वो 4 घोड़े और 9 गाय खरीदता है, टोटल पैसा कितना पे करता है 13,400 रुपये, ठीक है। अब फिर कहा जा रहा है कि अगर वो 10% के प्रॉफिट पर घोड़ों को बेचता है और 20% प्रॉफिट पर गाय को बेचता है तो टोटल वो 1,880 रुपये अर्न करता है। तो गाय कितने रुपये में खरीदी गई थी वो हमें बताना है। तो हमने पहले मान लिया कि एक गाय और एक घोड़े का कास्ट जो है वो घोड़े का कास्ट ₹1 है और गाय के कास्ट कितना है ₹1, एक गाय की कास्ट, क्लियर है। तो अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया था 4 घोड़े और 9 गाय की कीमत कितनी थी 13,400, तो मैंने देखिए 4x + 9y = 13,400 इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था कि गाय को 10% प्रॉफिट बेचना है, तो 4 गाय को हमने 10% प्रॉफिट बेच दिया, देखिए 4 घोड़े को 10% प्रॉफिट पर और 9 गाय को 20% प्रॉफिट हमने बेच के दोनों को ऐड कर लिया। ये जो है टोटल सेलिंग प्राइस है, तो मतलब 4 घोड़े 10% के ब्याज प्रॉफिट पर बेचा गया था और गाय को 20% प्रॉफिट बेचा गया था, तो दोनों को ऐड कर लिया, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है या टोटल सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब बताइए, तो प्रॉफिट इक्वल टू में दिया था 1,880, मैंने लिख लिया, सेलिंग प्राइस हमने निकाला था क्या 4x × 1, देखिए यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा 1144 कितना हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा 12 108 108y/10 माइनस, यहाँ से माइनस किसको किया कास्ट ऑफ प्राइस, कास्ट है किसका भैया, किसका कास्ट है, कितना दिया गया था टोटल कास्ट 13,400, देखिए माइनस कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से 4 देखिए सब में कॉमन है 4, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया था 470 आया था, यहाँ से डिवाइड किया था 3,350, इधर माइनस था इधर लाके हमने प्लस कर दिया इसमें, ठीक है। और यहाँ से 11x/10 और 27y/10, फिर 10 मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, तो 11x + 27y = कितना 38,200, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास अब यहाँ पर 2 वेरिएबल है एक्स वाई, और 2 वेरिएबल के साथ साथ अब 2 इक्वेशन भी तो है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम एक्स वाई को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया, तो यहाँ से ध्यान देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था क्या था 4x + 9y = 13,400 और जो इक्वेशन नंबर 2 था कितना था 11x + 27y = 38,200 था, क्लियर। तो हम चाहते हैं इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करना, इसलिए हमने क्या किया कि x के कोफिशिएंट 11 से इस इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 वाले x के कोफिशिएंट 4 से नीचे इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा ना, इसके कोफिशिएंट क्या होगा इक्वल हो गए, तो मैंने इसके मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दिया। तो यहां देखिए जब 11 मल्टीप्लाई हुआ 44 आ गया और 4 मल्टीप्लाई हुआ 44 आ गया और माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे माइनस करेंगे कितना आएगा 9y आएगा, वो भी माइनस में 9y, और यहां से माइनस करेंगे कितना आएगा -5,400, क्लियर। अब यहां से 9 से डिवाइड कर दिया 9×54, तो y वैल्यू कितनी आएगी 600, और y कितना माना था, एक गाय की कीमत हमने कितनी मानी थी ₹1 ही मानी थी, और y वैल्यू कितनी आएगी 600, इसका मतलब एक गाय की जो कास्ट है ना वो ₹600 है एक गाय की कास्ट, और ये गाय की कास्ट ही हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक गाय की कीमत ₹600। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द गिवन सीरीज, ठीक है। एक सीरीज हमें दी गई है और यहां से आइडेंटिफाई करके हमें क्या करना है
जो रिक्त स्थान है उसको हमें भरना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। देखिए पहला वर्ड देखते हैं, पहले यहाँ ए है, यहाँ सी है, इसका मतलब कितना ऐड किया, टू ऐड किया, मतलब टू का गैप है। पहले में कितना गैप है, टू का, मतलब दो का गैप, दो ऐड किया सी पहुंचा। सी के बाद एफ, तो एफ पहुंचने के लिए सी में कितना ऐड करेंगे, थ्री ऐड करेंगे, मतलब प्लस थ्री किया। जब प्लस थ्री किया तो कितना आया एफ। फिर देखिए एफ के बाद जे आ रहा है, तो एफ मतलब सिक्स होता है और जे इक्वल टू कितना, टेन, मतलब चार ऐड किया तब जाके कितना आया जे। तो यहाँ से एक सीक्वेंस पता चला, टू ऐड किया गया पहले, फिर थ्री ऐड किया गया, फिर फोर, फिर इसका मतलब इसके बाद किसका नंबर है, फाइव का। तो जे इक्वल टू कितना होता है, टेन, और फाइव जब ऐड करेंगे ये तो कितना हो जाएगा, पंद्रह, और पंद्रह की जगह क्या होता है, ओ, ठीक है, ओ होता है। तो ओ किसकी ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इसका मतलब दो ऑप्शन तो मिल गए हमें, लेकिन अभी बाकी ये दो कैंसिल हो गए, ये नहीं हो सकते, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ है एन, एन के बाद ओ आ रहा है, तो मतलब एन ओ, तो एन में ओ की मतलब सिर्फ प्लस वन हुआ है, यहाँ से देखिएगा एन एम एन ओ प्लस वन किया, ओ आ गया। ओ के बाद कितना आ रहा है, पी, तो ओ के बाद पी आ रहा है, मतलब यहाँ भी प्लस वन होगा केवल, देखिए ओ पी, पी के बाद ओ पी क्यू आ रहा है, मतलब ये इसी के एन एम एन ओ पी क्यू आ रहा है यहाँ पर। आर किसमें है, इसमें भी, इसमें भी है, तो अभी भी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। आइए लास्ट वाले देखते हैं, डी, डी के बाद ई एफ, मतलब प्लस टू इसमें भी हुआ, ठीक है। एफ के बाद डी एफ, एफ के बाद आई आ रहा है, तो एफ के बाद आई कब आएगा, जब प्लस थ्री होगा, इसमें प्लस थ्री हुआ। फिर आई के बाद एम आ रहा है, तो एम के बाद मतलब चार प्लस करेंगे, तो आई में जे के एल एम, हाँ एम आ रहा है, मतलब चार प्लस, तो इसका मतलब नेक्स्ट फाइव प्लस होगा। तो एम में फाइव प्लस करेंगे, एम इक्वल टू थर्टीन है, पांच जोड़ेंगे कितना आएगा, अठारह, और अठारह कितना होता है, आर होता है, एटीन कितना होगा, देखिए एम एन ओ पी क्यू आर, पांच ऐड कर दिया तो आर आ रहा है। तो यहाँ आर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरीके से किया। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि एक बार आप ट्राई करिए, एक ही बार में सीक्वेंस बन जाए, वो आपको आंसर मिल जाए। आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, एक बार में इसका आंसर नहीं आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, इफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड एज होम इन ए कोड वर्ड्स एंड सन्स एस ओ एन एस सन्स इज एक्सप्रेस्ड एज टी डब्ल्यू टी इन ए कोड वर्ड, देन कार्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कोड वर्ड एज, ऑप्शन दिया गया डी ओ एस सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया टी ओ पी टी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया टी ओ एन एस, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है टी डब्ल्यू एस, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो गोल्ड और होम का रिलेशन दिया गया है, इसको जस्टिफाई करते हैं, मतलब गोल्ड को अगर होम लिखा जा सकता है तो क्या लॉजिक है, इस चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पर जी है, जी के बाद यह चाहता है, मतलब कि एक प्लस हुआ है, ठीक है, ओ कोई चेंज नहीं, फिर एल के बाद एम आया, मतलब एक फिर आगे हुआ, और डी के बाद ई आया, मतलब फिर एक प्लस हुआ, तो मतलब ओ में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब में एक एक ऐड हुआ है, ऐसा लॉजिक है, ठीक है। सन्स की बात करते हैं, सन एक ऐड हुआ, तो सन के बाद एस टी, हाँ एक ऐड हुआ, ओ जो था यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ओ वही है। फिर इस बार एन एम एन एन के बाद क्या आता है, ओ ओ सही, एक प्लस हुआ। एस के बाद क्या था, टी, एक प्लस हुआ, मतलब हम जो लॉजिक लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, मतलब कि सब में एक प्लस होगा, लेकिन जहां जहां ओ है वहां पर कोई चेंज नहीं होगा, वही कॉपी हो जाएगा, क्लियर है। अब आते हैं कार्ड के विषय में, देखते हैं, तो सी में एक ऐड होगा, भाई सी में एक ऐड होगा, कितना आएगा, डी, तो डी किस ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा कि जिसमें डी है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं, कार्ड देखिए ओ है, ओ चेंज नहीं होगा, इसके बाद आर है, पी क्यू आर, आर के बाद क्या था, एस, एक आई डू एस, और डी के बाद क्या था, ई, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाई बहुत आसान था, ये सिंपली से मिल गया, सिंपली से लिया था क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शन दिया था वो इजी दिया था, ठीक, नहीं तो ऑप्शन थोड़ा सा अगर रखते तो इसे टफ बनाया जा सकता था, थोड़ा एक दो मिनट, मतलब 25-30 सेकंड और लग सकते थे इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि गोइंग 50 मीटर टू साउथ ऑफ हर हाउस राधिका टर्न लेफ्ट एंड गोज टू अनदर 20 मीटर देन टर्निंग टू द नॉर्थ सी गोज 30 मीटर एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ। ऑप्शन दिया गया है ईस्ट, बी में नॉर्थ वेस्ट, सी में साउथ वेस्ट, और डी में नॉर्थ, ठीक है, ऐसा हमें ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 50 मीटर साउथ जाने के बाद, मतलब हमसे क्वेश्चन, अच्छा पहले डायरेक्शन बना लेते हैं फिर सारी चीजें क्लियर करते हैं। ये देखिए जो डायरेक्शन होता है, इधर आपका होता है ईस्ट, ठीक है, इधर होता है उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट, और ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, क्लियर है, ये साउथ। अगर हम मान लें कि जो राधिका है उसका घर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने मार्क किया हो पॉइंट पर, कहा गया कि 50 मीटर साउथ गई अपने घर से, ठीक है, अपने घर से 50 मीटर साउथ, तो साउथ नीचे होता है, इसका मतलब वो नीचे 50 मीटर गई, ठीक है, राधिका 50 मीटर साउथ में गई। अब इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि राधिका टर्न लेफ्ट एंड गोज टू अनदर 20 मीटर। अब बताइए नीचे की तरफ है तो आपका लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ अगर मुंह है तो आपका लेफ्ट इधर होगा और इधर आपको 20 मीटर चलना है। अच्छा याद रखिएगा, अक्सर आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए डायरेक्शन वाले को ना, तो खुद को उस पर एज्यूम कर लिया करिए, और जिधर भी वो डायरेक्शन मूव करने के लिए कर रहा है उधर अपने आपको घुमा के अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक कर लीजिए, आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 20, ठीक है, 20 मीटर लेफ्ट में चली, ठीक है। इसके बाद कहा गया देन टर्निंग टू द नॉर्थ, अब नॉर्थ भाई यहाँ पर अगर है नॉर्थ कहाँ होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ उत्तर होता है, और कितना चलना है नॉर्थ में, सी गोज 30 मीटर, तो 30 मीटर क्या करना, ऊपर चलना है, तो ये देखो 30 मीटर ऊपर की तरफ चल दिए, ठीक है, 30 मीटर ऊपर चल दिए। फिर इसके बाद एंड देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, अब वो क्या करती है, अपने घर की तरफ चलना, यहीं से अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है, देखिए इधर ऐसे, ठीक है। तो कहा गया इन विच डायरेक्शन इज सी वॉकिंग नाउ, तो वो किस डायरेक्शन में अभी मूव कर रही है बताइए। तो आपको पता है ऊपर क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है, भाई इधर मूव कर रही, इधर क्या होता है, वेस्ट, ठीक है। तो ये कहाँ मूव कर रही है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन होगा, नॉर्थ एंड वेस्ट, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स पावर 2 प्लस वाई पावर 2 इक्वल टू 41 एंड एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 इक्वल टू 369 द वैल्यू ऑफ एक्स
यहाँ तो रहेगा देन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी रिस्पेक्टली, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस फोर, ऑप्शन नंबर सी दिया प्लस माइनस फोर कॉमा प्लस माइनस थ्री, ऑप्शन नंबर डी दिया प्लस माइनस फोर कॉमा प्लस माइनस फाइव, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया मैंने उसे लिख लिया, इक्वेशन नंबर वन बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41। दूसरा जो इक्वेशन दिया गया था एक्स पावर फोर माइनस वाई पावर फोर को हमने थोड़ा ब्रेक किया, और ब्रेक करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, क्लियर है, यही होता है। तो यही चीज तो मैंने यहाँ भी किया है, देखिए यहाँ पर x पर पावर 2 पे पावर 2 कर दिया था, x स्क्वायर एक बार माइनस एक बार प्लस इक्वल टू 69। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू 41 आपको पता तो है, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, इसे डिवाइड करने कितना है 9, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया इक्वेशन नंबर 2 हमारा, क्लियर। अब दोनों इक्वेशन क्या करें, ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो देखिए y स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 41 और 9 50, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, और x स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड कर देंगे तो 25, और अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो यहां से देख लीजिए ना प्लस माइनस 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, x की वैल्यू, तो अभी तो x की वैल्यू आई है ना, ये देखिए x की वैल्यू आई है कितना प्लस माइनस 5, और पहले पोजीशन पर जो लिखा गया वो x की वैल्यू, क्योंकि रिस्पेक्टली बोला गया है या x y लिखा गया है, ठीक है, इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू किसकी होंगी, x की होंगी। तो अब आप बताइए कि तो यहाँ एक्स की वैल्यू किसने ऑप्शन दिया है प्लस माइनस फाइव, तो ये एक ही ऑप्शन तो दिया है और बाकी सब तो 4, 4, 3, 3 दिया है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आपको वाई निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप वाई निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कोई जरूरत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, दिया गया 2/3, 4/7, 11/21, 16/31। तो यहाँ पर जो सीरीज दिया गया उसको ध्यान से देखिएगा, और ऑप्शन दिया गया है 7/13, बी दिया है 10/8, सी दिया 5/10 और डी दिया 6/10, क्लियर है। तो आइए चेक करते हैं, तो यहाँ पर पहले तो देखिए जो न्यूमरेटर को चेक करिए, सिर्फ न्यूमरेटर को, टू न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भाई कुछ नहीं है, यहाँ 11 है, तो 2 में 2 ऐड किया कितना आया, 2 में 2 ऐड किया मतलब 4 आया, 4 में हम मान लो सीक्वेंस 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 6, ठीक है 6, और फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 8 आना चाहिए, लेकिन 11 आ रहा है, अगर यहाँ 2 ऐड किया 3 ऐड कर लें कितना आ जाएगा 4 और 3 7, और 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, अब इसमें 11 तो मतलब इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड किया, यहाँ 5 ऐड होना चाहिए, 11 5 ऐड किया 16, इसका मतलब हमारा सीक्वेंस सही चल रहा है, हमें हर एक नंबर में एक एक्स्ट्रा ज्यादा ऐड करना है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो इस तरीके से 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, कितना आएगा 7, और 7 में 4 ऐड किया 11, 11 में 5 ऐड किया तो 16, इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 7 आएगा। तो ये कितने ऑप्शन है ऐसे 7 वाले, अरे एक ही ऑप्शन है, इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेकिन आप डिनोमिनेटर भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ से देख लीजिए ना, यहाँ 3 है, 3 में 4 ऐड किया कितना आया, 3 में 4 ऐड किया 7, 7 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 7 में, देखिए 3 में 4 ऐड किया 7, 7 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, लेकिन यहाँ 13 आ रहा है, कोई बात नहीं, और ऐड करते हैं, 3 में यहाँ 4 ऐड किया गया है और यहाँ पे 6 ऐड कर लेते हैं, तो 7 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 13, अब अगर यहाँ 4 ऐड हुआ था 6 तो यहाँ 8 ऐड होना चाहिए, 13 प्लस 8 करने पे देखिए कितना आ रहा है, 13 प्लस 8 कितना रहा है 21, हाँ ये सीक्वेंस सही है। अब यहाँ कितना ऐड होना चाहिए 10 ऐड होना चाहिए, 8 के बाद 10 तो यहाँ 31, तो ये भी सीक्वेंस सही है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर आपने 4 ऐड किया, यहाँ 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 13, तो 7/13 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैसे आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं थी, आपको 7 मिल गया था, आप अपना काम कर सकते थे, क्योंकि बाकी कुछ तो आ नहीं रहा था, ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर करेक्ट कर सकते थे, मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर को भी चेक करके कर दिया, तो यहाँ से बिल्कुल पक्का सही हो गया, अब कोई डाउट नहीं रहेगा, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सॉल्व हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द फिफ्थ लेटर ऑफ द लेटर सीक्वेंस, ये जिस सीक्वेंस में लिखा गया है इसमें पांचवें नंबर का लेटर क्या होगा वो हमें बताना, ऑप्शन दिया जे आई, सी दिया के और डी दिया है एल, ठीक है, इस तरीके से दिया गया। तो ये सीक्वेंस चेक करते हैं कि किस सीक्वेंस में चल रहा है, तो सबसे पहले वाई लिखा है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया, वाई लिखा गया, फिर उसके बाद W लिखा है, फिर T लिखा है, तो सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, सबसे पहले वाई है, तो वाई को अगर देखा जाए तो 25th पोजीशन पर होता है वाई, क्लियर है, और W को देखा जाए तो W हमारा किस पर होता है 23 पर, क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, फिर इस पर T लिखा गया, T किस पर होता है 20 पर, किस पर होता है 20 पर, फिर लिखा गया है P, और P किस पोजीशन पर होता है 16 पर, ठीक है, अब इसी को समझते हैं, तो देखिए 25 में से पहले 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ और फिर 4 माइनस हुआ, इसका मतलब कि हमें क्या करना है, माइनस करते चले जाना है, तो पांचवें पोजीशन पे भी पूछा है, देखिए 4 तो हो गया, फिफ्थ लेटर पूछा गया है यहाँ पर, फिफ्थ लेटर ऑफ द लेटर सीक्वेंस, तो पांचवें नंबर पर जो होगा उसमें 5 माइनस होगा, इसका मतलब 16 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 11, कितना आएगा 11, और 11 किस पोजीशन, 11 पोजीशन पे कौन होता है, तो 11 पोजीशन पर होता है के, कौन होता है के, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर के सही हो गया था, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए सर्कल टचेज आर All four sides of a quadrilateral ABCD, whose sides AB equal to 8 cm, BC equal to 7 cm, CD equal to 9 cm, the length of side AD, AD की हमसे वैल्यू पूछी गई है, AD कहाँ है, मतलब हमें ये लेंथ पूछा गया है, AD की वैल्यू पूछी गई है, क्लियर है, ऑप्शन दिया गया 12 cm, 8 cm, 11 cm, 10 cm, ऐसा हमसे ऑप्शन दिया गया है, क्लियर है, जो जो बातें दी गई उसको बिल्कुल ध्यान समझते हैं। यहाँ से AB की लेंथ हमें दी गई, कितना AB की लेंथ कितना दिया गया है 8 cm दिया गया, ठीक है, और एक बात और दी गई है, BC दिया गया है, BC की लेंथ कितना दिया गया भैया, BC दिया गया 7 cm, ठीक है, और CD दिया गया है 9 cm, ये भी हमें दिया गया है, क्लियर है, ये डायग्राम आप बस ऐसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि दिखने पर लग रहा है स्क्वायर है, लेकिन हमने ये ले लिया है, इसे आप घबराने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए डायग्राम लिया हमने। अब देखिए हमसे कहा गया है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया, हमने माना कि जो ये RC है ना, ये CR, ये X है, ठीक है, X है, तो भैया जब ये X हो गया तो टोटल 9 था, तो ये कितना होगा 9 माइनस X, क्लियर है, 9 माइनस X, ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब
कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर कोई एक सर्कल हो, ठीक है, कोई एक सर्कल हो, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर टेंजेंट ड्रा किया जाता है, ठीक है, दो टेंजेंट अगर ड्रा किए जाए उस सर्कल पर, ठीक है, तो जो दोनों टेंजेंट होते हैं ना उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, बस। अब यही जो मैंने टेंजेंट थ्योरम लिखा है इसका मतलब यही होता है जो मैंने समझाया। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट एक क्या है, डी है, और डी से दो टेंजेंट ड्रा किए गए, एक टेंजेंट ये ड्रा किया गया और एक टेंजेंट ये ड्रा किया गया, समझते रहिएगा। तो इसका मतलब कि जितना लेंथ डी आर का है उतना लेंथ क्या होगा, डी एस का होगा, क्लियर है आई होप। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस टेंजेंट थ्योरम से, तो डी आर कितना था, 9 माइनस एक्स, तो डी एस कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स, हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया है, क्लियर है। इसी तरीके से आर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, ये देखिए आर सी है, यहाँ से आर सी पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ दो टेंजेंट एक्स सी आर एक्स सी क्यू ड्रा किया गया, ये दोनों लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये आर सी इक्वल टू एक्स है तो सी क्यू इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। ये टोटल कितना, 7, कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स, आई समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, जितना बी क्यू होगा उतना लेंथ बी पी का होगा, और इसका मतलब बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी, भाई बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी पी। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ से बी बी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, बी पी। तो यहाँ से देखिए ए बी इक्वल टू कितना है, 8, तो यहाँ ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए पी प्लस बी पी, ये देखिए ए पी प्लस बी पी। तो अब यहाँ से देखिए ए पी, ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, ए बी की वैल्यू 8 है, और ए पी वैल्यू में निकालनी है, बी पी हमें पता है 7 माइनस एक्स, यहाँ लाके माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ए पी इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एक्स, क्लियर है। अब ए पी की वैल्यू 1 प्लस एक्स आ गई, ए डी की वैल्यू हमें पता ही था इक्वेशन नंबर 1 से, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया ए एस को, और ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए एस प्लस एस डी। तो दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी, और जो दोनों वैल्यू पुट की तो इन्हें देखिए एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन एंड मानक इज फादर ऑफ राजन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, रजत इज ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज डॉटर ऑफ सचिन, देन हु इज द अंकल अंकल ऑफ रजत, जगत, सॉरी जगत, जगत का चाचा कौन है, अंकल कौन है, ये हमें बताना। ऑप्शन दिया गया सचिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया राजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मानक, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दिस। बेसिकली ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन, मतलब सचिन और राजन क्या है, दोनों भाई हैं, एंड मानक इज फादर ऑफ राजन, मतलब अगर मानक जो है राजन का क्या है, पिता है। इसका मतलब क्या है कि राजन जो है किसका, मानक का, ठीक है। फिर इसके बाद एक रिलेशन दिया गया, जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया, जगत जो है वो प्रिया का भाई है, क्लियर, जगत जो है वो प्रिया का भाई है, और प्रिया इज डॉटर ऑफ सचिन, प्रिया जो है वो सचिन की बेटी है, समझ में आ रहा है। राजन का भाई कौन है, राजन का भाई सचिन है, सचिन की बेटी कौन है, प्रिया है, क्लियर, सचिन की बेटी कौन है, प्रिया है, और प्रिया का भाई कौन है, जगत है, बिल्कुल ध्यान समझना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सचिन का बेटा कौन हुआ, जगत, ठीक है, जगत, और सचिन का भाई कौन है, राजन, तो राजन भतीजा, राजन का भतीजा लगेगा जगत, मतलब जगत का चाचा कौन हुआ, राजन। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, अंकल ऑफ जगत, तो जगत का चाचा कौन होगा, सीधा सीधा राजन, राजन हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसमें बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तो राजन उसका चाचा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ है इसी को हमें फाइंड आउट करना है। अब बात यह हुई कि अब इसका सीक्वेंस क्या बना है, इस चीज़ को हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से देखिए, यहाँ 11 है और यहाँ है 77, क्लियर, अगर यहाँ 11 है और यहाँ 77 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 11 में 7 से मल्टीप्लाई करते 77 आ जाएगा, लेकिन ये 7 है कहाँ, यहाँ तो 7 है नहीं। तो हमने ये देखा दो वर्ड और थे हमारे, दो नंबर और थे, 21 और 3, अगर 21 डिवाइड बाई 3 करते कितना जाएगा 7, और 7 का मल्टीप्लाई अगर 11 में करते कितना जाएगा 77। तो क्या चेक करते हैं इस वाले लॉजिक में, ये भी यहाँ काम करता है। तो हमने कहा 4 से डिवाइड करिए 36 में 9 आया, 9 मल्टीप्लाई 12 करिए कितना 108, ये लॉजिक काम कर रहा है। इसका मतलब इसी लॉजिक से हमें इसे भी सॉल्व करना है, इसका मतलब 24 डिवाइड में कितना करना है, हमने मान लिया कि जो क्वेश्चन मार्क है ना उसकी वैल्यू कितनी x, तो हमने क्या किया 24 डिवाइड बाई x कर दिया, कितना किया 24 डिवाइड बाई x, ठीक है। अब जो भी आया है इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन किसमें करना है, ये देखिए 14 में करना है, किसमें 14 में करना है, ये देखिए 14 इंटू कर दिया हमने, 14 इंटू कर दिया, और इसका आंसर कितना आना चाहिए 112, ये देखिए दिया गया है 112 हमने यहाँ पर कर दिया 112, ठीक है, ये देखिए क्लियर है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए होती थी, तो यहाँ से देखिए किससे कैंसिल होगा, इसी को देखिए तो 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 3 24, और ये देखिए 8 का 8, 8 का 8, 8 6 32, ये देखिए, और 14 14 से कैंसिल हो गया, और यहाँ 1 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ से हमें जो आंसर मिला x की वैल्यू कितनी मिली 3, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा 3 होगा, क्लियर। अगर आप x मान के नहीं करना चाह रहे तो बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन में आपका फिट बजे हुई आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, आइए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, और यहाँ से यूपीएससी के सारे क्वेश्चन जो हमें कराने थे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ, ठीक है, कहा जा रहा है प्राइम फैक्टर के टोटल नंबर हमें बताने हैं कि कितने होंगे, ऑप्शन दिया गया 52, बी में दिया 33, सी में 37 और डी में 36 दिया गया है, क्लियर है। तो अब देखिए ये जो प्राइम फैक्टर जो होते हैं इसको काउंटिंग कैसे की जाती है, इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी नंबर दिया गया कंपाउंड है, देखिए 6 भी कंपाउंड नंबर होता है, 8 भी, और 3/3 तो आपका प्राइम है, लेकिन 4 भी क्या है, कंपाउंड नंबर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको कंपाउंड में, प्राइम नंबर में, इस कंपाउंड नंबर को कंपाउंड प्राइम नंबर में चेंज करते हैं।
तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3, तो मैंने 2 into 3 लिखा, तो मतलब 1 upon 6 को क्या लिख सकते हैं 1 upon 2 into 1 upon 3, पावर कितना था 12, तो 1 upon 2 पे पावर 12 into 1 upon 3 पे पावर 12, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पे पावर 25, क्लियर है, और 3 by 4 था तो 3 पे पावर 15 कर दिया अलग, और अपॉन कितना बचा 1 upon 4, तो 1 upon 4 को क्या लिख सकते हैं 1 upon 2 पे पावर 2 पे पावर 15, क्लियर है, तो 1 upon 2 ये देखिए 1 upon 3 पे पावर 12, यहां देखिए अभी से पावर का पावर तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है 25 का 75 तो 2 पे पावर 75 हो गया, 3 पे पावर 15, और यहां से देखिए 2 पे पावर 2 था उस पावर 15 था, तो 15 गुणा 30 पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है, अब 2 को एक साथ, यहां पे दो ही फैक्टर है, प्राइम नंबर एक 2 है और एक 3 है, ठीक है, जहां पे यहां पर टोटल, तो 2 वाले को एक साथ कर लो और 3 वाले को एक साथ कर लो, तो 2 वाले को एक साथ करें तो न्यूमरेटर में जितने 2 है, देखो 2 पे पावर 75 और डिनोमिनेटर में 2 पावर 13 और 2 पावर 12, तो दोनों को ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 42, देखो 2 पावर 75 अपॉन 2 पावर 42, 3 पे पावर 15 अपॉन 3 पे पावर 12, यहां से देखिए जब सबट्रैक्ट होगा तो 2 पे पावर 33 और 2 पावर 3, 3 पे पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ 2 पे पावर 33 मतलब 2 कितनी बार है 33 बार है, ठीक है, 33 बार 2 है और 3 कितनी बार है 3 बार है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आ गया 36, तो मतलब दो टोटल प्राइम फैक्टर जितने हैं वो कितने हैं 36 है, 36 के हिसाब से दिया गया नंबर डी में दिया गया है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो आज क्लास में बस इतना ही, जय हिंद।